हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान बद्री विशाल के प्रवेश द्वार पर स्थित जोशी मठ, जो आजकल अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है, यह वही जोशी मठ है जहां आदि शंकराचार्य ने भगवान बद्री विशाल मंदिर की जीर्णोद्धार के पूर्व नरसिंह मंदिर की स्थापना और शरद काल में यही भगवान बद्री विशाल का विग्रह कर रहता है। यह एकाएक नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत सन 1970 फिर 1976 जून महीने से ही शुरू हो गई थी, जब खेतों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन मिश्रा कमेटी की सिफारिश पर कुछ काम हुए और धरती का खिसकना रुका। अब परिणाम यह है कि विकास की अंधी दौड़ में शामिल हुक्मरानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या हम भूल गए जब आदि शंकराचार्य जी ने भगवान बद्री विशाल का जीर्णोद्धार करके केदारनाथ की तरफ चलने को उद्गत हुए तो कहे थे कि जब भगवान नरसिंह की मूर्ति क्षतिग्रस्त होगी तो नर और नारायण पर्वत एक में मिल जाएंगे, उसके बाद बद्री विशाल का दर्शन बंद हो जाएगा। पहाड़ों में अगर मैदानी क्षेत्रों की तरह हजारों की संख्या में एक ही स्थान पर बड़े शहर बस सकते तो हमारे पूर्वज निश्चित ही बसाए होते। हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे, जो आज के तथाकथित वैज्ञानिकों से कई पीढ़ी आगे के वैज्ञानिक थे। उन्होंने छोटे छोटे गांव बसाए पहाड़ों की धारण क्षमता के अनुरूप। उनमें ना कूड़े के ढेर थे, ना गंदा पानी निकलता था, ना तफरी के नाम पर पहाड़ घूमने आने वालों की अनियंत्रित भीड़, अनियोजित विकास, टनल, पावर प्रोजेक्ट्स, महामार्ग आदि के लिए होने वाली अत्यधिक ब्लास्टिंग, बड़े बड़े निर्माण कार्य की भेंट चढ़े संवेदनशील क्षेत्र जोशीमठ जैसा ही भविष्य पहाड़ के लगभग हर गांव शहर का है। बस कई सौ साल, कोई 200 साल, कोई कुछ और साल। केदारनाथ आपदा से भी कोई सीख नहीं ली हमने। जो तीर्थ क्षेत्र सनातन धर्म के मान बिंदु हैं, देवभूमि कहलाते हैं, जिनका नाम मात्र लेने से ईश्वरीय अनुभूति होती है, वहाँ वृक्षों का कब्जा, चारागाहों का निर्माण, मांस मदिरा का सेवन, मनोरंजन के नाम पर फूहड़पन, यही सब हो रहा है पहाड़ों पर, जिसका मूल्य चुकाना पड़ रहा है। भगवान नरसिंह की भूमि, आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली के यह दृश्य हृदय विदारक है। ईश्वर रक्षा करे। जोशीमठ, एक डूबता हुआ शहर। जरा सोचिए, आप जिस घर में, गाँव में अपने अपने का हर एक हिस्सा जी हूँ, बच्चे बनकर जिद करने से लेकर बड़े होकर अपने घर की जिम्मेदारियों को समझा हो, खुशियाँ मनाई हो, दुख को जाते देखा हो, वहाँ से आपको सिर्फ इसलिए भागना पड़े क्योंकि अब जगह रहने लायक नहीं रही। एक पल के लिए यदि आप घर छोड़कर जाते हैं तो उसकी याद आपको असहज करने लगती है, आप उतावले रहते हैं, कब घर की ओर लौट चले। लेकिन यदि आपको अपना घर गांव सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ जाए क्योंकि बाहर से कुछ पल के लिए आए लोगों को सुख सुविधा देने के लिए जिम्मेदार लोगों ने आपके अपने शहर गांव की प्रकृति से ही खेल कर दिया। जोशीमठ से आ रही तस्वीरें बहुत भयानक है, दर्दनाक है। जोशीमठ शंकराचार्य की धरती है। हिंदुओं के लिए जोशीमठ एक अपनी विशेष महत्ता रखने वाला शहर है, लेकिन अब लोगों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि वहां रहना स्वयं के जान को खतरे में डालना है और जान का मोह तो सभी को होता है। जोशीमठ की बर्बादी का एकमात्र कारण भौतिकतावाद के नशे में चूर मानव है। हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति तक को ताक पे रख दिया। शायद जोशीमठ उतना विकसित नहीं होता, शायद ये त्रासदी लोग नहीं झेलते, लेकिन समय समय पर जगने वाला हिंदुत्व भी एक कारण है जोशीमठ की मौत का। हम हिंदुओं ने अपने ही धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में बदल दिया है ताकि जब वहाँ घूमने जाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। सरकार को यह था कि यात्रा सुगम होगी, लोग आएंगे और राजकोष बढ़ेगा, इसीलिए पहाड़ों को मारा गया, जलाशयों की हत्या की गई। हमने मान लिया कि तीर्थ यात्रा और पिकनिक एक ही है। मैंने अपने गांव के बुजुर्ग को कहते सुना था, जब भगवान बुलाएंगे
तो उनके घर पर हम भी जाएंगे। लेकिन अंधाधुंध विकास ने तीर्थयात्रा को भी पिकनिक के समान कर दिया। जहाँ जब मन करे तब व्यक्ति किसी भी अवस्था में पहुँच जाता है। तीर्थयात्रा का मतलब होता है कि हम कुछ पल के लिए भौतिकतावाद को भुलाकर कुछ पल के लिए ही प्रभु के हो जाएं, जहाँ सब कुछ सामान्य ना हो। हम अपने मन को बाजारू हो चुकी दुनिया से कुछ पल के लिए विरक्त रखें, निर्मल मन से हम प्रभु की आराधना कर सकें। और शायद इसीलिए ही हमारे पूर्वज साधु संतों ने दुर्गम स्थलों को अपनी आराधना का केंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों ने उनका अनुसरण करने के बजाय अपने तीर्थों को ही सबसे बड़ा बाजारू स्थल बना लिया। आज केदारनाथ की यात्रा करना एक चीज़ हो गई है जो आपका सोशल स्टेटस तय करता है। बॉलीवुड के संगीत के साथ केदारनाथ में बन रहे वीडियो इस बात के सबसे बड़े उदाहरण है कि हमने अपने ही तीर्थ क्षेत्र का क्या हाल कर दिया। अपने गांव या लोकल मंदिर के साल में एक बार भी न दर्शन करने वाला युवा केदारनाथ पर्यटन की लालसा रखता है। मेरा मानना है कि तीर्थ स्थल धार्मिक क्रियाओं के लिए ही है। लोगों का तर्क ये रहता है कि पर्यटन क्षेत्र होने के कारण उस स्थल का विकास होता है, लेकिन अब लोगों को समझ आ रहा है कि विकास के परिणाम क्या हो सकते हैं। समेद शिखर जी के मामले पर जैन समुदाय का विरोध इस बात का उदाहरण है कि एक तीर्थ स्थल की पवित्रता उसके तीर्थ स्थल में ही बने रहने में है, ना कि थोक के भाव के विकास के नाम पर उसकी मौलिकता और पवित्रता को नष्ट करने में। आदि शंकराचार्य की धरती जोशीमठ के भविष्य का पता हम सबको है। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को सरकारों ने राजकोष बढ़ाने के लिए सालों तक दबाए रखा, परिणाम अब सामने है। ना जाने कितने ऐसे स्थल हैं जो अंधाधुंध विकास के परिणाम स्वरूप अपना मूल स्वरूप खो चुके हैं। और जब प्रकृति अपना बदला लेती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। उम्मीद है कि अब सरकार और जनता दोनों ही जोशीमठ की भूल से सीखेंगी और तय करेंगी कि कोई अगला जोशीमठ ना बन पाए। कोई अगला परिवार अपने मूल शहर या गांव से केवल पर्यटकों की सुख सुविधा के कारण अपने घर को बर्बाद होता ना देखे। कुछ दिन पूर्व आए भूकंप के झटकों से अलकनंदा नदी अपना जमीन के नीचे से मार्ग बदल चुकी है, या फिर NTPC की टनल। अतः जोशीमठ को बचाना अत्यंत कठिन कार्य है, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। दरारों में से जो पानी बहकर आ रहा है वो किस वजह से है उसकी जांच करना चाहिए। वो पानी अलकनंदा का है या दूसरा। साथ ही अलकनंदा नदी पर जो आगे डैम बना है उसकी भरने की स्पीड कम हुई क्या? पिछले कुछ दिनों में इन बातों से स्थिति स्पष्ट हो जाती। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।